मैं हुसैनी और आज है डे टू राजगीर का। आज हम लोग राजगीर एक्सप्लोर करने वाले हैं कि राजगीर में क्या है क्या नहीं है। तो आज हम लोग कहाँ कहाँ जाने वाले हैं जिया भाई? प्लान है कुछ कुछ, बट अब देखते हैं, टाइम तो है नहीं। कितना बजे? 4:30 हो चुके हैं, तो गर्मी की वजह से सुबह में कोई नहीं निकला था बस। तो अभी देखते हैं कहाँ कहाँ करते हैं एक्सप्लोर, बाहर जाके ही पता चलेगा कुछ। तो अभी हम लोग होटल से निकल रहे हैं घूमने के लिए, देखते हैं कहाँ कहाँ जाएंगे। और ये एसके भाई जिया भाई की बाइक चला रहे हैं और जिया भाई मेरी बाइक चला रहे हैं, और हम पिलियन राइड कर रहे हैं जिया भाई के पीछे। देखते हैं कहाँ कहाँ हम लोग घूमते हैं अभी। तो अभी हम लोग होटल से निकले हैं और अभी हम लोग को पता चला कि यहाँ का जितना भी टूरिस्ट का प्लेस है वो 4:30 से 5 बजे तक बंद हो जाता है, और हम लोग अभी 4:30 बजे होटल से ही निकले हैं। तो आज तो घूमने का कोई प्लान रहा नहीं, अब कहीं कहीं सही जगह मिले तो जा रहे हैं, वही हम लोग खोज रहे हैं, कहीं अच्छा जगह मिल जाए तो वहीं ब्लॉक कर लेंगे। एक्चुअली में ऊपर दुर्गा माँ का मंदिर था, हम लोग ने सोचा कि ऊपर जाते हैं, मगर यहाँ बाइक सेफ नहीं था। मेरा और जिया भाई का बाइक है, अगर कहीं लगा देते हैं, अगर कुछ हो जाए तो वो एक बड़ा टेंशन है, इसी चलते हम लोग ऊपर नहीं जा पाए। चलिए कोई नहीं, सिटी में हम लोग घूमते हैं, सिटी में कुछ ना कुछ देखने को ज़रूर मिल जाएगा। तो अभी हम लोग जहाँ जो लेक जाने वाले थे वो मतलब बंद हो गया। हम लोग वहाँ मेरे ख्याल से वो कितने बजे बंद हो जाता है जी भाई? 4 बजे वो बंद हो जाता है, और हम लोग पहुँचे ही वहाँ 5 बजे। तो आज का तो सारा प्लान कैंसिल। हम लोग सिटी सोचे घूमने का, लेकिन सिटी में उतना कुछ खास है नहीं, तो हम लोग यहाँ से आई थिंक सीधा होटल ही जाएंगे। और मेरा हेल्प कर रहे हैं लाइट दिखाने में जया भाई, फ्लैश लाइट अपना जला के खड़े हैं, और पीछे वो फोटोग्राफी के चक्कर में वो अपना फ्लैश जलाए हुए हैं इसके भाई अलग से। और बस मार्केट प्लेस में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं देखने को, बस रांची वाले समझ जाएंगे, रांची का जैसे अपर बाज़ार दिखता है कुछ उसी टाइप है, बस उससे थोड़ा ट्रैफिक कम है, तो कुछ है नहीं बस। तो अब हम लोग वापस आ गए हैं, और हम लोग का गाड़ी यहाँ पार्किंग में अंदर साइड लगा हुआ रहता है, एक ये गेट है और एक वहाँ बाहर गेट है। आज है डे टू, कल तो हम लोग कहीं घूम नहीं पाए क्योंकि हम लोग 4 बजे होटल से ही निकले थे, और होटल से निकलने के बाद सारा चीज़ बंद हो गया था, हम लोग पहुँचते पहुँचते। तो आज हम लोग का प्लान है 2-4 जगह, जहाँ जहाँ हम लोग घूम सके वहाँ वहाँ घूमेंगे। और ये रहे इसके भाई बैठे हुए, और इसके अंदर घुसे हुए हैं जिया भाई। तो मिलते हैं डायरेक्ट बाइक पर ही। तो अभी हम लोग 2-3 चार जगह जा रहे हैं घूमने के लिए। तो अभी हम लोग होटल से निकले हैं, और ये है हम लोग का पार्किंग, अंदर है थोड़ा घुस के। तो आज हम कहते हैं आज एसके भाई अपने हाथी को यहीं छोड़ देंगे, मतलब रॉयल इनफील्ड को यहीं छोड़ देंगे, और हम अपने मेरा बाइक और जिया भाई का बाइक हम दोनों लेके जा रहे हैं। मैं पिलियन दोनों में से किसी के पीछे भी बैठ जाऊँगा। तो अभी हम लोग रोप वे जा रहे हैं क्योंकि रोपवे में लंबा लाइन रहता है 2-2 घंटा का, तो पहले वहाँ चले जाते हैं, वो काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर जहाँ का प्लान बनेगा वहाँ चला जाएगा। और ये है यहाँ का गेट, मेन गेट, एंट्री गेट, विश्व शांति स्तूपा का एंट्री गेट है ये। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रुपए का टिकट लेना, टिकट काउंटर पर टिकट 80 रुपीस। गोद में बच्चे लेकर ना बैठे, अगर वो बच्चा सुसु कर दिया तो आपका पैंट भी खिसा सकता है। तो यहाँ का एंट्री गेट एक्चुअली में उधर से घुस के फिर यहाँ से इस राउंड बड़े वाले में गोल घूम के फिर इधर से निकल के फिर इधर से जाना पड़ता है, कुछ ज़्यादा सेफ्टी है मगर सही है इतना। और अभी चलिए रोपवे ही भी मिलते हैं।
और ये सेफ्टी के लिए मेटल डिटेक्टर है लेकिन कोई काम का नहीं है। यह है एंट्री का तरीका। तो अभी हम लोग विश्व शांति स्तूप पहुंच चुके हैं और ये है मूर्ति स्तूप भगवान का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ एक वार्निंग है कि यहाँ बंदर बहुत सारे हैं, तो अपने सामान और अपनी रक्षा स्वयं करें। तो अभी हम लोग शांति स्तूप से डाउन साइड जा रहे हैं, देखते हैं मज़ा आता है कि नहीं। भैया आपको 3 टिकट दे दिए थे, दिखा दीजिए ना उनका। बैठिए इसके भाई, फर्स्ट आप ही, हम बीच में घुसते हैं। कसम से हिल रहा है कैसे। तो यहीं पे अब रुपए ख़त्म होता है
और अब हम लोग यहाँ से घोरा का डोरा निकल रहे हैं, ये एग्जिट पे इस टाइप के राउंड लगा के हम लोगों को निकलना पड़ेगा बाहर। लग रहा है कैदी खाना खाने जा रहा है, बहुत टाइट सिक्योरिटी है यहाँ का। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घोरा कटोरा, और ये घोरा कटोरा पूरे मतलब चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है, और बीच में एक छोटा सा नदी टाइप है, और बीच में लॉर्ड बुद्धा का एक मूर्ति है बड़ा सा। तो अब हम लोग आई थिंक अभी टाइम हो रहा है 3:15, और हम लोग यहाँ पे 1:30 बजे रुके थे घोरा कटोरा जाने के लिए। तो वहाँ से अभी हम लोग 3:15 में वहाँ से हम लोग लौट गए, और अब यहाँ से हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। तो देखिए वहाँ कितना टाइम लगता है। तो हम लोग पहुँच गए हैं नालंदा म्यूजियम के पार्किंग में, और ये रहा म्यूजियम सामने साइड, और इसी के अपोजिट में नालंदा रुइंस, और ये है पार्किंग। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नालंदा रुइंस में, और ये है अंदर जाने का रास्ता। अब हम लोग होटल रिटर्न जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग घूम लिए पूरा, और म्यूज़ियम अभी तक क्लोज़ हो गया होगा। तो कल अगर हो सके तो म्यूज़ियम जाएंगे, वरना फिर सुबह सुबह 10 बजे तक बोध गया। तो बाहर अभी हम लोग जाते हैं, कुछ कोडिंग पियेंगे, उसके बाद होटल। तो आज है 4 हम लोग का राजगीर में, और कल हम लोग गए थे नालंदा यूनिवर्सिटी और रुइंस, और कल हम लोग का आते आते शाम हो गया था, मेरे ख्याल से 4:30, 5:30, 6 बज गया था। तो उसी वजह से हम लोग 7 बज गया था और
अब हम लोग को करना है एक मखदूम कुंड और एक राजगीर कुंड है, तो वो दोनों आज हम लोग अभी हम लोग निकलने से पहले करेंगे। और आज हम लोग को निकलना है बोध गया और ये सारा हम लोग का सामान पड़ा हुआ है, सारी पैकिंग हो गई है, सारा पैकिंग पूरा हो चुका है। और वो रहे एसके भाई और ये रहे जीरो भाई। तो अब डायरेक्ट हम आपको मखदूम कुंड तो हम लोग कल जा नहीं पाए, तो मखदूम कुंड का उधर साइड कुछ दुकान है सिंदूर बिंदूर का, आप अगर ऊपर पूजा करने जाते हो तो प्रसाद सिंदूर बिंदूर का उधर दुकान है। और इधर साइड पार्किंग है और ये यहाँ का मेन गेट है। तो अभी हम लोग राजगीर कुंड से निकल चुके हैं और जया भाई अंदर वहाँ पे आप देख रहे होंगे तो वहाँ एक गेट है और वहीं पे मखदूम कुंड है, तो वहीं अंदर गए हुए हैं जया भाई और हम दोनों यहीं पे उनका वेट कर रहे हैं। एक्चुअली में वो भी हम लोग का वेट किए थे राजगीर कुंड में, हम लोग भी टाइम लगा दिए थे, वो भी बेचारे बाहर खड़ा ही थे। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि आगे कुछ दिखाने के लिए है नहीं। अब जो भी आएगा हम लोग यहाँ से बोधगया निकलेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा हम लोग को। तब तक के लिए बाय।